लीला शाह जयराम जी की कैसे हैं मित्रों, 243वां एपिसोड आज शुरू होता है। टॉपिक है माया। 12 मार्च 1967 बांद्रा बंबई में किया गया प्रवचन। शुरू करते हैं। एक संत था जो एक स्थान पर कथा कर रहा था। वहां हजारों आदमी कथा सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहां एक थोड़ा बहरा आदमी भी सत्संग सुनने आया था। वह बहुत धनवान था, अतः वह अपनी जेब में रुपये व गिन्नियां भर कर लाया था। अब वह बहरा सोचने लगा कि यदि मैं संत के निकट जाऊंगा तभी कुछ सुन सकूंगा। वह सोचने लगा कि इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं आगे कैसे जाऊं। अतः उसने क्या किया कि अपने साथ लाए हुए रुपये व गिन्नियां फेंकता गया। लोग उन्हें उठाने लग गए तथा उसे आगे जाने का रास्ता मिलता गया। कुछ ही समय में वह संत के निकट पहुंच गया। यह देखकर संत ने फरमाया, यह माया तो व्यर्थ है, प्राप्त करने वाले कुत्ते हैं। इस पर वह बहरा आदमी बोला, स्वामी जी आपका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस माया के प्रभाव से ही तो मैं आपके इतने निकट आ सका हूँ, अन्यथा इतना निकट कैसे आ पाता। इस पर संत ने फरमाया, भाई जब तुमने माया का त्याग किया तभी तो इतने निकट आ सके हो। जो धन दौलत धनवानों के पास है, जमीन में गड़ी पड़ी हुई है, बैंकों में या घरों में दबी हुई पड़ी है तथा किसी भी परोपकार के काम नहीं आती, वह माया व्यर्थ है तथा वह कुत्तों के काम आती है, अर्थात वह माया किसी काम की नहीं रहती। जय श्री राम, जय साईं लीला शाह। धन्यवाद। Thank you.